बहुत बढ़िया, यूएसडी फॉक्स आ गए फाइनली। हाँ है ना, अच्छे है ना। लेकिन यार एक बात बता, ये जल्दी खराब नहीं हो जाते? मतलब अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाओ तो इसकी सील व्हील कट जाती है, बहुत जल्दी खराब नहीं हो जाते? एंड ये कॉस्ट कटिंग नहीं करी हुई है तेरे को लगता है बजाज में? एक्चुअली यस, इनमें थोड़ा बहुत सील टूटने की प्रॉब्लम होती है। वेरी नाइस कलर, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट यार एक बात बता, व्हाट अबाउट द एलईडी लैम्प? मतलब 2023 चल रहा है, डोंट यू थिंक कि एलईडी लैम्प्स आने चाहिए थे? यस आई एग्री कि एलईडी बल्ब दे सकते थे और आजकल के टाइम पे मैंडेटरी भी हो गया, देना भी चाहिए था। बट यू नो व्हाट, जब तुम सर्दियों में होते हो ना तो हेलोजन बल्ब ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। और अब डेफिनेटली तू ये तो करने वाला है नहीं कि सर्दियों के लिए अलग सेट ऑफ बल्ब रखेगा और गर्मियों के लिए अलग सेट ऑफ बल्ब, तो अकॉर्डिंग टू मी ये अच्छे से काम कर लेंगे। ओके, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए NS 200 का प्रॉपर माइलेज टेस्ट लेके आऊंगा, एंड गेस व्हाट, मैंने कर दिया। और साथ में इसका राइड रिव्यू भी किया है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा जानने के लिए कि ये मुझे 60 किलोमीटर के रन पे कितनी माइलेज देती है। एंड बिलीव मी, आप लोग शॉक हो जाओगे माइलेज फिगर सुन के। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल वीडियो। ओके ओके देन, राइडिंग द ऑल न्यू बजाज NS 200। और एज यू गाइस कैन सी, मैं ऑलरेडी 77 के आसपास क्रूज कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे आपको मेरी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिख रही होगी। एंड उससे याद आया कि मैंने ये राइड शुरू करने से पहले इसकी ट्रिप मीटर को जीरो कर दिया था, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को जीरो कर दिया था, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि बाय द एंड ऑफ दिस राइड ये हमें कितनी फ्यूल इकोनॉमी देती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, NS 200 का राइड रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। बट आप लोगों को भी यार पता है, सब्सक्राइब बटन दबाना चाहिए, वो रेड बटन को दबा के ग्रे कर देना चाहिए। और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना साथ में। उससे क्या होगा ना कि कोई भी नया फन रिव्यू अगर हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोग उसको देख पाओगे। एंड लाइक बटन दबा देना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, सो दैट दे गेट बेटर आइडिया कि क्या उनको NS 200 अपने लिए चूज़ करनी चाहिए या नहीं। फर्स्ट इंप्रेशंस, ये इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। आई मीन ये इंजन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड था, लेकिन अब इसकी रिफाइनमेंट और भी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ऑलमोस्ट 80 पे क्रूज कर रहा हूँ। हैंडल बार पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, एज यू गाइस कैन सी। रियर व्यू मिरर्स पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, फुट पैक्स पे बहुत माइनर सी है। और टैंक या देयर इज अ लिटिल बिट देयर, बट उतना तो चलता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द विंड ब्लास्ट, तो देयर इज विंड ब्लास्ट बिकॉज ये नेकेड है। देयर इज नो फेयरिंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द विंड ब्लास्ट। ना कोई वाइजर है, नथिंग। ये छोटा सा वाइजर मिलता है, बट इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग मी। बड़ा हो जाओ छोटू। एंड जस्ट इन केस अगर आप लोग इस वीडियो में वॉक अराउंड को मिस कर रहे हो दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसका ऑलरेडी वॉक अराउंड कर दिया था। यहाँ पे क्लिक करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। NS 160 और NS 200 दोनों का ही डिटेल वॉक अराउंड किया हुआ है। और हाँ, लगे हाथ यार वो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। देखो ये वीडियोज़ बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो एक एक लाइक काउंट होता है, एक एक सब्सक्राइब काउंट होता है। डू डैट फॉर अस, सपोर्ट अस। और इसलिए मेरा ओपिनियन है कि 80, 85 अप टू 90 इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है, जिस पर राइडर कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं उसको झेलना पड़ेगा। बट अगर आप उससे ऊपर जाते हो, डेफिनेटली यू विल सफ़र फ्रॉम द विंड ब्लास्ट सिंड्रोम। तो राइड क्वालिटी कैसी है? फ्रंट में जो दो USD फॉक्स आए हैं, उसकी वजह से राइड क्वालिटी में कुछ फर्क आया है डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइक अब पहले से ज़्यादा प्लांटेड लगती है। एंड सेकेंडली, अनकंडीशनल रस्तों से कच्ची पक्की सड़कों पर फ्रंट एंड तो इसका बड़े प्यार से निकल जाता है। इट इज़ कम्फर्टेबल, ये ना तो ज़्यादा स्टिफ है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बैलेंस्ड है। बट ऑन द अदर हैंड, रियर इज़ लिटिल बिट टू द फर्म साइड, मतलब थोड़ा सा स्टिफ तो है वो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं हर बार आप लोगों को समझा चुका हूँ कि राइड में वो कितना इफेक्टिव हो सकता है। सी, जब आप प्रॉपर्ली गाड़ी को वेट डाउन करोगे, इसमें वजन डाल दोगे, अपना सामान डाल दोगे, या फिर कोई पिलियन आपके साथ बैठेगा, डेफिनेटली उस टाइम पे ये जो स्टिफ सस्पेंशन सेटअप है आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो जल्दी बॉटम डाउन नहीं होगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, यू विल हैव अ वेरी कंफर्टेबल क्रूज। सो NVH अच्छा है, रिफाइनमेंट अच्छी है। बट अबाउट द गियर चेंजेस एंड क्लच, तो अभी आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन जस्ट शिफ्ट डाउन एंड डिसअपेयर। और ये लो भाई साहब, बारिश भी होने लग गई। तो जैसा आप लोगों ने देखा, जो इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स है और जो ये क्लच है, बहुत ही लाइट है। आप लोगों को गियर चेंजेस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, स्पेशली जब आप शिफ्ट डाउन एंड डिसअपेयर होने की कोशिश करोगे तब। ना क्योंकि बजाज ने इस इंजन को 6 गियर्स दिए हुए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी है। तो दे आर क्लेमिंग कि गिवन दैट इट्स अ 200cc लिक्विड कूल्ड इंजन, लेकिन ये आराम से 37 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आपको दे सकता है। अभी मेरी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी 40-ish हो रही है, बट जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं माइलेज टेस्ट करने के ही प्रोसेस में हूँ। तो जब मैंने राइड शुरू की थी, सबसे पहले तो मेरे को ट्रैफिक मिल गया। एंड थैंक्स टू दैट ट्रैफिक, मुझे ये समझ आया कि ये बाइक कितनी ज़्यादा एजाइल है। एंड थैंक्स टू दोज USD फॉक्स, आपका इस बाइक के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रहेगा। इसको मैन्यूवर करना स्लो मूविंग ट्रैफिक में बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। आप लेन स्प्लिट करते हुए निकलते चले जाओगे, वो भी अच्छी खासी स्पीड पे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो NS वाले बंदे होते हैं वो इसी तरह छूमंतर हो जाते हैं। और हाँ, जब मैंने वो ट्रैफिक ग्रस्त एरिया क्रॉस करा तो मुझे ये माइलेज फिगर शो कर रही थी गाड़ी। ओके, सो टिल नाउ मैं 13.8 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ एज यू गाइज कैन सी, एंड मुझे माइलेज मिली है एवरेज उन 13 किलोमीटर्स में 39 किलोमीटर्स पर लीटर की, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ एक्चुअली मोर देन जो बजाज कहता है कि ये 37 किलोमीटर्स पर लीटर तक आपको दे सकता। नाउ द थिंग इज कि अभी तक के स्ट्रेच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। अब आगे मैं एक्सप्रेस वे पे मर्ज होने वाला हूँ और वहाँ पे क्योंकि हम थोड़ा सा हायर स्पीड्स पे राइड करेंगे, सो विल फाइंड आउट कि क्या ये एफिशिएंसी फिगर गिरता है या बढ़ता है। एंड कंट्रोल रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रिप 2 को ज़ीरो कर लेते हैं यहाँ से, सो दैट वी हैव द कंट्रोल। देवी को काफ़ी अच्छे हैं ना। नाउ द थिंग इज़ कि ये एक 200cc सेगमेंट बाइक है और जो बंदा इसको अफोर्ड करेगा इट इज़ प्रीटी श्योर कि वो इससे नॉर्मल यू नो संडे राइड्स हो गई या फिर लॉन्ग राइड्स हो गई सब कुछ करना प्रेफर करेगा। इट इज़ गोइंग टू बी, कहते हैं ना, उसकी जान बनेगी ये गाड़ी, जो भी इसका पोटेंशियल बायर होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड अगर आपकी है तो आप इस बाइक को शायद उससे ज़्यादा प्यार करोगे, और अगर आप सिंगल हो तो फिर तो भाई यही आपकी जान बनेगी। और डेफिनेटली आप इसके साथ फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, लॉन्ग राइड्स तो करोगे ही करोगे, वो तो लाजमी है। और इसलिए मैं इस हाईवे के ऊपर चढ़ा। सो एक्सप्रेस वे पे मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ 16.7 किलोमीटर्स और ये है मेरी फ्यूल इकोनॉमी उन 16 किलोमीटर्स की, 41 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ वेरी गुड। एंड अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल 30.5 किलोमीटर्स हमने अभी टोटल कवर कर लिया है, तो 40 किलोमीटर्स एवरेज फ्यूल इकोनॉमी चल रही है पूरे 30 किलोमीटर्स की। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी आधा ही माइलेज टेस्ट हुआ है और उसके हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, विच मीन्स कि पावर, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एनवीएच वाइज ये बाइक एक प्रॉपर गो है। ओके देन अब बात करते हैं कुछ नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल ये देखो, ऑब्जर्व करो यहाँ पे, यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है यार। दिस इज समथिंग जो एक बजाज प्रोडक्ट से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो पुरानी वाली पल्सर थी उसमें आपको इस तरह के गैप्स देखने को नहीं मिलता था यार। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। देन इवन तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टिफ सस्पेंशन क्यों दिया गया है, बट यार ये स्टिफ सस्पेंशन ना आपको स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब आप स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस करोगे, पॉट होल्स को क्रॉस करोगे जैसे ये, तो आपकी कमर की बच सकती है। तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी या फिर हो सकता है आपकी माताजी, अगर आपके साथ बैठेंगी तो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा। अदर देन दैट स्प्लिट टाइप सीट सेटअप है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको भी प्रॉपर स्पेस मिलता है और आपके पिलियन को भी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, बट एज यू नो कि सीट थोड़ी सी स्कूप्ड अप है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट विमेन जो होंगी ना उनको बैठने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब अगर आप एक न्यूली वेड कपल हो या फिर जस्ट अ कपल हो, गर्लफ्रेंड है आपकी, तब उस सिनेरियो में बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों के साथ ट्रिपलिंग करने का सोच रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसा करो, बट वी नो कि सब करते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ क्योंकि ड्यूल चैनल ABS स्टैंडर्ड कर दिया है बजाज ने NS 160 और 200 में, तो डेफिनेटली मैंने उसे भी टेस्ट करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि ABS को काफ़ी अच्छे से कैलिब्रेट किया हुआ है। एंड दैट्स बिकॉज कि फ्रंट और रेयर में ये वही व्हील्स है जो आपको N 250 या F 250 में मिलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टायर सेटअप है, लेकिन NS 160 और 200 में ये डिफरेंस है कि इसको ओवरटेक करते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो NS 160 और 200 में इवन तो टायर सेटअप सेम है, लेकिन जो टायर ब्रांड्स है और जो टायर टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इनके ट्रेड पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव रबर यूज़ किया गया है और वो फील भी होता है। NS 200 का इंजन इवन तो आपको प्लेंटी ऑफ टॉर्क देता है, लेकिन ट्रैक्शन आप बहुत कम ही लूज़ करोगे, जब तक बिल्कुल लूज सर्फेस नहीं आएगा दिस इज नॉट गोइंग टू लूज एनी ट्रैक्शन। नाउ एक चीज़ और इस बाइक में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वो है आपका राइडर्स डिस्प्ले। जस्ट लुक एट इट, ये पूरा एरिया काफ़ी भरा भरा लगता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको ऐसा फील नहीं होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आप छोटी बाइक पे बैठे हो, आपको फील आएगा कि यार मैं बैठा तो किसी बड़ी बाइक पे हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यही सेम फील आपको NS 160 में भी आएगा। तो इंजन के अलावा बेसिकली शैजी या फिर फेयरिंग किसी भी चीज़ में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और हाँ, बताना ही भूल गया, वेल आप लोगों को पता ही होगा कि NS में पैरीमीटर फ्रेम आता है और पैरीमीटर फ्रेम एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देता है। तो बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द पैरीमीटर फ्रेम और जिस प्राइस पॉइंट पर ये है, ये बहुत ही अच्छा competition to MT 15 and definitely R15 also. Only the fact is कि R15 थोड़ा सा you know फेयरिंग स्पोर्ट्स में ज़्यादा चले जाती है, बट MT 15 का ये काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन है. नाउ द थिंग विद MT 15 इज़ कि वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल बाइक है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसको आप ज़्यादा लॉन्ग जर्नीज़ पे राइड नहीं कर सकते. मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया था, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा. हाउएवर इफ़ यू कम बैक टू NS 200 तो मुझे ये पता चला कि यार यस, यहाँ पे भी आपकी सीटिंग पोजिशन स्पोर्टी है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा लीन होके बैठ रहे हो बाइक पे, बट क्योंकि सीट्स आर वेरी वेल पैडेड एंड कुशन तो इतनी परेशानी नहीं होगी. मतलब आप MT से यही नहीं तो कम से कम 50 के लगभग किलोमीटर ज़्यादा क्लॉक कर लोगे. फाइनली मेरी राइड एंड हो चुकी है. लेट्स सी मैंने कितने किलोमीटर्स कवर किए. सो मैंने कवर किए पूरे 63.6 किलोमीटर्स एंड ये काफ़ी अच्छी संडे राइड हो गई. वट 41 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दिखा रहा है. और इसमें से एज यू नो कि मैंने एक्सप्रेस वे पे समवट अराउंड 36 किलोमीटर्स इसमें एक्सप्रेस वे पे थे एंड लुक 42 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर. तो बजाज ने क्लेम किया था 37 किलोमीटर्स पर लीटर और हमने निकाल के दे दी 40 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी. तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे NS 200 का दोबारा से एक डेडिकेटेड माइलेज टेस्ट करना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाके हम डिस्कशन कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर. अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आओ, मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा. या फिर अगर आप लोगों को लगा कि मैंने कोई चीज़ गलत की है तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं. अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, MT 15 का माइलेज टेस्ट देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, और अगर Hyundai की UFO का वॉक अराउंड देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो.